A very good morning to all students. Once again we are coming to discuss a very important paper, board examination paper, and which already asked by the CBSC in the year 2019. So without creating any delay, let's we start and discuss the few of the important questions related to the board papers. And in the last video we already discussed such type of the question which already asked in the board examination. So let's start the today's video. Construction unit at Bhiwadi in Himachal Pradesh to manufacture electrical geysers and supply them to dealers all over the countries. The production target was 500 geysers per week. It was decided by the management the variation in production up to 10 units would be acceptable. कहा वाइनर लिमिटेड ने सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भिवाड़ी में हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक गीजर बनाने के लिए और उसको सप्लाई करने के लिए ऑल ओवर कंट्री. उनका प्रोडक्शन टारगेट जो था वो 500 गीजर था एक वीक में और उन्होंने डिसाइड किया कि वेरिएशन जो है वो 10 यूनिट तक एक्सेप्टेबल होगी. इट मीन्स स्टैंडर्ड इज 500 गीजर एंड अगर कोई डेविएशन आता है तो डेविएशन में एक्सेप्टेबल यानी अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन द एक्सेप्टेड डेविएशन इज 10 यूनिट्स. At the end of the first week, the production was 450 geyser. पहले week में production कितना था 450 geyser. Next week, production increased to 470 geyser. And later week, the production was 460 geyser. यानी तीन हफ्ते की अगर analyze किया जाए तो पहले हफ्ते 450 geyser बने, दूसरे हफ्ते में 470 geyser बने, तीसरे में 460 बने. On investigation, it was found that फ्लक्चुएशन द प्रोडक्शन वॉज ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और ये देखा गया कि ये प्रोडक्शन इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि 500 में 10 यूनिट्स एक्सेप्टेबल है तो 490 जो है वो क्या है बनना चाहिए, लेकिन पहले में 450 बना, दूसरे में 470, तीसरे में फिर 460 हो गया. तो ये जो प्रोडक्शन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो क्यों हुए, उसके रीज़न क्या फाइंड आउट हुए, दैट इज़ एन इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द क्वेश्चन इज The APARA discuss some of the step in the process of one of the function of the management. आपने बोला है कि इसमें कौन सा function of management involved है जिसके कौन कौन से steps हैं. And also the state the steps that has not been discussed in the APARA. और उन steps को भी बताइए जो इसमें नहीं दिए गए हैं. तो चलिए start करता हूँ. As you can see that ये सबसे easy है, that is in कौन सा steps हैं, कौन सा function of management यहाँ पर discuss हुआ है, that is in controlling. And you know very well in the controlling function इसमें पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ है जिसे कहते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दैट इज इन 500 गीजर. सेकेंड मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा क्या था एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर हुई है कि वॉट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज इन 450 इन द फर्स्ट वीक, 470 इन द सेकेंड वीक एंड 460 इन द थर्ड वीक. थर्ड कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड एनालाइजिंग डेविएशन. सो इसमें हमने स्टैंडर्ड के साथ किया, पहले ही हफ्ते में 50 यूनिट्स का डेविएशन था, दूसरे में हम लोग 500 माइनस 470 तो 30 यूनिट्स का लगभग डेविएशन था, और तीसरे में 460 यानी कि 40 यूनिट्स का अगेन क्या था डेविएशन था. सो दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने मेजर कंपेयर किया विद द स्टैंडर्ड्स. अब उस डेविएशन जो डेविएशन है फर्स्ट वीक कितना डेविएशन आया 50, सेकेंड वीक 30, थर्ड वीक 40. अब उसको हम एनालाइज करेंगे और इसमें कौन कौन से हैं, जैसे एनालाइजिंग डेविएशन, डेविएशन का एनालाइज किया गया तो रिजल्ट क्या आया, दैट इज़ एंड ड्यू टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 17. नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17. Organizing involves a series of steps that needs to be taken in order to achieve the desired goal. Explain these steps. या फिर internal choice में दिया है. Explain any four point of importance of organizing. कह रहा है in organization किसी भी desired goal को achieve करने के लिए एक series of steps follow करता है. यानी वो steps के नाम बताने हैं, उनको explain करने हैं या फिर importance of organizing बनाना है, बताना है. तो you know very well the process of organizing. First, identification of division of work. Second, departmentalization. Third, assignment of duties.
और असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज टू जॉब पोजीशन, फोर्थ एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एंड नंबर सेकेंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सो अगर इसी कंटेंट जो आज पूछा था इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, तो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बेनिफिट स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एडेप्टेशन टू चेंज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट, इट क्रिएट्स अ कॉन्टिन्यूस मार्केट वेयर द सिक्योरिटीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड, इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिस इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट थ्रू दिस प्रोसेस एंड डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज इन टू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स अ सेफ एंड फेयर डील इन द मार्केट। The membership of the stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework. It also ensures wider share of ownership by regulating new issues, better trading practices and taking effective steps in educating the public about investment. Various functions performed by SEBI, that is in stock exchange, are discussed in the above para by quoting the lines फ्रॉम द एबेप पैरा स्टेट एनी फोर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी आपको स्टॉक एक्सचेंज के किसी चार फंक्शन को बताना है और उनसे रिलेटेड जो लाइन्स हैं उनको भी इंडिकेट करना है। सो यू कैन सी दैट सिक्योरिटी मार्केट इज अ रेगुलेटर ऑफ द स्टॉक। सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर कौन है? स्टॉक एक्सचेंज, वो रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को। सो कौन कौन से फंक्शन है? फर्स्ट द वेरी फेमस फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज providing liquidity and marketability to existing security, यानी कि जो existing security हैं उनको liquidity provide करना और उनको marketability, ये किस लाइन से समझ में आ रहा है देख सकते हो तुम लोग आप लोग। It gives investors the chance to disinvest and reinvest. It creates a continuous market where the security are bought and sold. It gives investor the chance to disinvest and reinvest. Means simply we can say that कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को क्या करता है? लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इन दिस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर उससे फिर कुछ अदर सिक्योरिटी परचेज एंड सेल कर सकते हैं। सेकेंड, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। एज थ्रू प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट चैनलाइज्ड इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। इट मीन्स अगर मैं बात करें तो डिस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव है कि अनप्रोडक्टिव है, इट इज़ नॉट कन्फर्म। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन कि दिस इन्वेस्टमेंट इज अ प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। ओके, सो दिस इज अ सेकेंड फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। द थर्ड वन इज अ सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। As the membership of the stock exchange is well regulated and its dealings are well defined according to the existing legal framework, this ensures that the investing public can get a safe and fair deal on the stock market. Means, you know very well, the stock exchange is well regulated and agar wo sara kaam ek proper legal tarike se kiya jata hai तो कभी भी किसी भी बिजनेस को करने में प्रॉब्लम नहीं आती या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो वी कैन से दैट कि इन्वेस्ट करना पब्लिक का पैसा, जो पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट किया वो सेफ रहना ज़रूरी है और डील फेयर भी रहनी चाहिए। सो द लाइंस रिलेटेड टू द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज़ वेल रेगुलेटेड एंड इट्स डीलिंग आर वेल डिफाइंड according to the existing legal framework. Okay, number 4, spreading of equity cult as a stock exchange. It you know very well with the help of the
with the help of the various stakeholders, we can say that with the help of a stock exchange, we regulate the stock exchange very easily and ensure that wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, and taking effective steps in educating the public about the investments. यानी कि स्टॉक एक्सचेंज ये इंश्योर करता है जिससे हम नए इशूज़ को रेगुलेट कर सकें, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हो, माल प्रैक्टिसेस ना हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, और हम अपने पब्लिक को प्रॉपरली एजुकेट कर सकें अबाउट दी इन्वेस्टमेंट्स. द लाइंस इज रिलेटेड टू दिस हेडिंग, इंश्योर वाइडर शेयर ओनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशूज़, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स in educating the public about investments. Next, number 19 is explain any 4 points of difference between the marketing and selling or internal choices. Explain the following function of marketing. The first one is a product designing and development, and second is a standardization and grading. So you can see that there are various function of the marketing, and the difference between the marketing and selling are, the first one is a marketing is a wider term consisting of number of activities like identification of customer needs, developing the product to satisfy those needs, fixing prices, and persuading the potential buyer to buy the same. Whereas the selling is a part of the process of marketing concerned with the proposed promoting and transferring position ownership of the goods from the seller to the buyer. मतलब marketing क्या है? एक वाइडर कॉन्सेप्ट है. हम इसमें कस्टमर नीड को पहचानते हैं, उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, फिर प्राइस फिक्स करते हैं, फिर उनको प्रमोट करते हैं, उनको बेचते हैं सामान. बट इन द सेलिंग हमारा काम सिर्फ ये होता है कि बस प्रोडक्ट को प्रमोट करो, उसकी ट्रांसफ़र भेज दो गुड्स को, यानी कि उसका पोजिशन ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दो बस. सेकेंड, ट्रांसफ़र टू टाइटल वर्सेज सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स. यानी मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है कस्टमर की नीड को एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, पहचानना, और सेलिंग का जो मेन फोकस होता है वो होता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल एंड पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द कंज्यूमर. यानी सेलर से सामान उठकर किसके पास चल जाए? परचेजर के पास. यही मेन फोकस होता है परचेजर का इन द सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेकेंड, थर्ड, प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन सेल्स वर्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर सेल्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन की अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग का मेन काम होता है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें, बट विद द मैक्सिमाइजिंग ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. यानी कस्टमर की नीड एंड वांट्स को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें. लेकिन सेलिंग का मेन एम होता है हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सेल करके अपनी प्रॉफिट बढ़ाएं. फोर, नेक्स्ट, स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटी. मार्केटिंग स्टार्ट होती है प्रोडक्शन से, ख़त्म होती है सेल्स के बाद भी मार्केटिंग चलती है. यानी मार्केटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, और इट इज़ इवन स्टार्टेड बिफोर द प्रोडक्शन. यू कैन सी मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द सेल हैज़ बीन टेकन प्लेस, बट सेलिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के बाद होता है सेल स्टार्ट, और कब तक चलता है? जब तक वो गुड्स सेल ना हो जाए बस, उसके बाद से चीज़ों को कंसिडर नहीं करते. और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे अगर हम बात करें डिफरेंसेस इन द एम्फेसिस, डिफरेंसेस इन द स्ट्रेटजी. मार्केटिंग जो है वो कस्टमर नीड्स को फोकस करके उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है, बट सेलिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर को क्या करते हैं, बैंड करते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग. और स्ट्रेटजीज में बात करें तो मार्केटिंग यूजेस इंटीग्रेटेड एफर्ट्स लाइक प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेज अ सेलिंग इन्वॉल्व्स एफर्ट लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन. यानी कि अगर हम बात करें मार्केटिंग में हम लोग 4 P's पर ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. और प्रमोशन में सेलिंग में सिर्फ हम प्रमोशन एंड परसुएशन की बात करते हैं कि प्रोडक्ट को हम प्रमोट करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें. बस दैट्स ऑल. ओके, सो द इंटरनल चॉइस रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 19 इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग.
and the function of the marketing, the first function is given, that the product designing and development, and second is standardization and grading. So if you are talking about the product designing and development, so you know very well, product designing and development helps to make the product attractive to target customers. It means with the help of the product designing and development, हम product को attractive बनाते हैं ताकि target customer उस product को easily purchase कर सके. A good design can improve performance of a product and give it a competitive advantage in the market. और यानी एक अच्छा अगर product को हम design देते हैं तो उस product की performance को increase करता है और हमें competitive advantage में मिलता है market में. Second is the standardization and grading. If you are talking about the standardization and grading, so standardizing ensures uniformity and consistency in output, reducing the need for inspection and tasting of the product. यानी हम किसी product को अगर standardized करके produce करते हैं तो उस product में uniformity आती है, यानी सारे product एक ही जैसे बनते हैं और उनके output में consistency आती है, जिससे रिड्यूसिंग द नीड फॉर इंस्पेक्शन, जिससे प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने की नीड नहीं रहती और आउटपुट जो होता है वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होकर आता है, प्रोडक्ट को टेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती. ग्रेडिंग इंश्योर्ड डैट द गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड द प्रोडक्ट एंड हेल्प्स इन रियलाइजिंग हायर प्राइसेस फॉर द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट. यानी ग्रेडिंग ये इंश्योर करता है कि कोई भी गुड्स है वो किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी से बिलोंग करता है और इससे हम हायर प्राइस भी रियलाइज कर सकते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बेटर है. सो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग वी कैन सी दैट से दैट कि विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग हम किसी भी प्रोडक्ट के जो आउटपुट्स हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं और उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने का और टाइमली टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. विद द हेल्प ऑफ ग्रेडिंग हम एक बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उससे हायर प्राइस और बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे हायर प्राइस भी हम कस्टमर से रियलाइज कर सकते हैं. द क्वेश्चन नंबर 20 द सेक्शन डी एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डेट इज़ एन फैटिग्यू स्टडी एंड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. सो इफ आर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइड द मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इन टू रियलिटी, हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प्स इन टेकिंग साइंटिफिक डिसीजंस, helps in meeting changing in environment requirements, help in fulfilling social responsibility and used as a basis for management training, education and research. So with the help of the principle of management hum reality ko kya kar sakte hain, provide kar sakte hain, insight kar sakte hain, reality provide kar sakte hain, resources ko और इफ एडमिनिस्ट्रेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और रिसोर्सेज का एक इफेक्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, साइंटिफिक डिसीजन ले सकते हैं, चेंज इन एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट के लिए हम अपने आप को रेडी कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हैं और ट्रेनिंग दे सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, सो यू कैन सी दैट there are various techniques of the scientific management. The first is fatigue study. Fatigue study determines the amount and frequency of rest interval in completing task. यानी fatigue study ये decide करता है कि किसी भी task को complete करने के लिए workers को कितनी amount में और कितनी frequency में rest देना ज़रूरी है. Rest intervals help the workers to regain stamina and work again with the same capacity, resulting in increased productivity. यानी fatigue study की help से हम क्या कर सकते हैं, workers के stamina को regain कर सकते हैं और उसे फिर से same capacity पे work कराने के लिए क्या कर सकते हैं, काम करा सकते हैं और जिससे productivity भी बढ़ती है. Second is differential piece wage system, you know very well.
According to the tailor, it is a very important technique for the payment of the remuneration to the workers that it should be a differential piece wage system, because it is a technique which differentiate between efficient and less efficient workers. Yani differential piece wage system ki help se hum efficient aur less efficient worker ke beech mein differentiate create kar sakte hain. Jo efficient workers hain unko reward dena और जो लेस एफिशिएंट वर्कर हैं उनको मोटिवेट करना और नेगेटिव मोटिवेशन देना जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो. यानी बेसिकली डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है कि जैसा आप प्रोडक्शन करेंगे वैसा हम आपको क्या करेंगे, रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे. इन दिस प्लान देयर आर टू पीस रेट्स, वन फॉर दोज वर्कर्स हु प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर and the workers for those who produce less than the standard output. This acts as an incentive for less efficient worker to be motivated to perform better. Okay, so with the help of differential piece wage system hum workers ko piece yani output ke hisab se hum kya karte hain, wage provide karte hain. Jo person, jo worker kam produce karta hai standard se, use kam rate pe वेजेस दिया जाता है. जो एक स्टैंडर्ड से ऊपर प्रोडक्शन करता है उसे ज़्यादा क्या दिया जाता है, रेमुनरेशन दिया जाता है. और इससे हम लेस इफिशिएंट वर्कर्स को इंसेंटिव देकर भी उसे मोटिवेट कर सकते हैं एक तरह से. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. वोल्टेज फ्लक्चुएशन हैव बीन कॉमन एंड क्वाइट हाई इन इंडिया. They harm our electrical appliances like television, refrigerator and air conditioner, often leaving them in a permanently damaged condition. N-Guard company decided to manufacture stabilizer for North India where the voltage fluctuation ranges from 220 watt to 230 watt. Once the demand for North India was taken, the requirement was taken care of, they decided to launch a stabilizer of varying voltage from 90 watt to 260 watt for meeting the requirement of voltage fluctuation in other region of India also. Three engineers were appointed for south, west and east region of India as the voltage was different in the all three region. So all the engineers were appointed to manufacture stabilizer, but the product differed from the region to region. So the question is, identify the organizational structure of N-Guard company, state any two advantage and two limitation of this structure, identify in the above para. So isme pehle pucha hai kaun sa organizational structure hai, to agar aap pura dekho to ek company hai jo India mein air electrical appliances, television, refrigerator and conditioner, air AC manufacture karte, usko bechti hai. एंड एन गार्ड कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो स्टेबलाइजर नॉर्थ इंडिया में भी क्या करेगी, बेचेगी, जहाँ का जो टेम्प वोल्टेज है वो 220 से 230 वोल्टेज के आसपास रहता है. और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि वहाँ पे जो वोल्ट स्टेबलाइजर बेचे जाएंगे वो 90 वॉट से 260 वॉट पे रखे जाएंगे, ताकि वो वोल्टेज रीजन टू रीजन क्या कर सके, एक्सेप्टेबल हो. थ्री इंजर्स जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिया में साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट में गए और अलग अलग रीजन में, ताकि वो प्रोडक्ट को रीजन वाइज रीजन प्रोड्यूस करके उसे रीजन वाइज रीजन डिस्ट्रीब्यूट कर सके. तो एक तरह का ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक ही प्रोडक्ट में डील कर रही है, वोल्ट स्टेबलाइजर. सो यहाँ पर कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इन दिस पैराग्राफ वी कैन सी दैट द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज forms of organization structure is functional because it leads to occupational specialization, since emphasis is placed on the specific functions. Okay, and aapko pata hai with the help of functional structures hum specialization ko kya karte hain, occupy karte hain, increase karte hain. It promotes control and coordination with a department because of similarly tasks being performed. इससे control and coordination भी बढ़ता है department के बीच, उनके बीच में same task ही किए जाते हैं. It increases managerial and office operational efficiency using increased profit. It's lower cost at its reduced duplication of efforts.
एंड एज वेल एज इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज ईजियर एज इट्स फोकस ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल. इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन. ये भी इंश्योर करता है कि हमें डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है. यानी यू कैन सी दैट दे आर बेसिकली वेरियस एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर. स्पेशलाइजेशन है, कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, मैनेजमेंट ऑफिशियंट एफिशिएंसी बढ़ती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम होते हैं. एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी स्किल इंक्रीज हो और जो डिफरेंट फंक्शन ऑफ हैं गेट ड्यू अटेंशन, ये भी ध्यान रखा जाता है कि आपका कौन सा काम है, ये भी इससे क्लियर होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, सो वी कैन से दैट द लिमिटेशन ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सो वी कैन से दैट द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल इट इज़ बेस्ड ऑन द फंक्शन ओनली. यानी हम इसमें सिर्फ फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, सिर्फ हम इसी चीज़ों पे फोकस करते हैं. हम डिफरेंट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते. यानी अगर हम बात करें तो जो छोटी मोटी कंपनीज हैं सिर्फ उसी के लिए ही फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है बेटर होता है. लेकिन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े लेवल पर पहुँच जाता है, तो वहाँ पर हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस नहीं रह सकते, वहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट इज एन फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एक बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी चॉइस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. यानी यू नो वेरी वेल व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ प्रोपोर्शनेट ऑफ द ओन्ड एंड डेब्ट कैपिटल. एंड कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज अ कैश फ्लो पोजिशन, सेकेंड इज अ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, थर्ड इज़ अ डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, फोर्थ इज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ इज़ अ कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट. दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर बाय विच वी डिटरमाइन दी कैपिटल स्ट्रक्चर. अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन, सो वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स, stability of earning, taxation policies, stock market reactions, legal constraints, these are the few of the important factors by which we decide the amount of dividend. अब next question पे बढ़ने से पहले कुछ important points पे भी हम लोग discuss कर लेते हैं कि जब हम financial management के topics पे बात करते हैं, so there are basically three important decision under the financial management, that is an इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन एंड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. लेट्स वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. निशा सेठी वॉज वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन द फेमस कंसल्टेंसी फर्म KLI ग्लोबल सर्विसेज. हर जॉब इंक्लूडेड प्रिपरेटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग कंपनसेशन an incentive plan and facilitating employees train learning. They had entered into the alliances with institute to ensure continuous learning of their employees. With the jobs becoming more and more complex, KLI Global Services invested large amount of money in making the employees learn the skill necessary to complete the job. State by giving any 5 points how this investment is likely to be the benefit of the organization to the organization. So you know very well, Nisha Shetty एक HRM consultancy firm में काम करती है.
उसके जो जॉब उसको मेरे उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन, रिक्रूटमेंट, डेवलपिंग कंपनसेशन, इंसेंटिव प्लान और एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था। उसमें उसका काम ये था कि जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करे, रिक्रूटमेंट करे, डेवलप करे, कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान डेवलप करे, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। लेकिन जब वो जॉब में घुसी तो उसे ये पता चला कि जॉब बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। के लाइक ग्लोबल सर्विस इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन मेकिंग द एम्प्लॉइज लर्न द स्किल नेसेसरी टू कम्प्लीट द जॉब। तो यू कैन सी दैट यहाँ पर कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, दैट इज़ इन ट्रेनिंग। क्योंकि यू कैन सी दैट KLI ग्लोबल सर्विस इन्वेस्टेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन मेकिंग द एम्प्लॉयज लर्न द स्किल नेसेसरी टू कम्प्लीट द जॉब। जॉब को कम्प्लीट करने के लिए जो स्किल चाहिए उसके लिए हम एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। सो वॉट आर द बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग, इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी एज ट्रेनिंग इज अ सिस्टमेटिक लर्निंग बेटर दैन हिट एंड ट्रायल मैथड्स। इट एनहेंस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वान्टिटी एंड क्वालिटी लीडिंग टू हायर प्रॉफिट्स। It equips the future manager to take over in an emergency. It reduces employees' turnover as it increases employees' morale and reduce absenteeism. And it helps in obtaining effective response in the fast-changing environment. And with the help of the training, हम efforts and money को क्या करते हैं, waste होने से बचाते हैं। Hit and trial method पे ज़्यादा believe नहीं रखते। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ती है, हायर प्रॉफिट होता है। इमरजेंसी केस में चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ये भी हमें ट्रेनिंग की हेल्प से मिलता है। इससे मोराल भी बढ़ता है लोगों में, जो मोर लेबर टर्नओवर वो कम होता है, एबसेंट के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ द ट्रेनिंग। सो इन टुडेज़ वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन ई पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।